तक भी बहुत अच्छे से जाके प्रमाथि गुण से उत्तम दोष पाचन और दोष क्षय करता है, इसलिए स्त्रोतोगामित्व तो उसको ज़्यादा है। आप हम सभी को मालूम है कि मरीच का एक कल्प, जैसे कि श्वासकुठार कल्प है, मरीच श्वासकुठार खलवी रसायन है और उसके निर्माण विधि में भी दिया है कि श्वासकुठार में मरीच कैसे डालना चाहिए, एक एक कम मरीचम दत्वा, एक एक डाल के उसको भावना देनी चाहिए, तो और भी उसको प्रमाति होता है। जैसे कि श्वासकुठार, ये श्वास का कल्प मैं कुष्ठ में बहुत सारे रुग्णों में देती हूँ, जैसे कि विचर्चिका है, एक कुष्ठ है, इनको शोधन के पश्चात श्वासकुठार में देती हूँ, उसमें भी प्रमाथि होने से या उत्तम दोषक्षय होने के लिए श्वासकुठार का अच्छा फायदा होता है। तो यही हेतु विपरीत रस के विपरीत चिकित्सा ये रुग्ण में की और उसका भी अच्छा फायदा हुआ। अभी नेक्स्ट केस, नेक्स्ट प्लीज, केस नंबर थर्ड है, अम्लपित्त की केस है। 56 ईयर फीमेल, मैरिड पेशेंट, और ऑक्यूपेशन उसका टीचर थी वो, और उसके मेन कंप्लेंट्स थे अम्ल कटु छर्दी प्रतिदिन अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं ब्रश करने लगती हूँ तो छर्दी होती है मुझे, उरो विदाह अत्यार्तव, और ट्वाइस इन अ वीक मुझे द्रवमल अतिसार होता है और निद्राल पता। अभी देखो 56 इयर्स फीमेल है और मेंसेस इरेग्युलर है लेकिन आर्तव प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अभी मेनापोजल एज आने वाला है इसके वजह से होता हुआ। जब रुग्णा मेरे पास आई तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि अत्यार्तव के लिए कुछ नहीं करना है हमको, हमें सिर्फ अग्नि का चिकित्सा करना चाहिए। अभी ये रुग्ण टीचर थी, 2 ईयर्स के बाद वो रिटायर्ड होने वाली थी और उसको सिर्फ एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चल रहा था, बाकी कुछ मॉडर्न की ट्रीटमेंट नहीं थी। तो वो तो बोल रही थी कि मैडम मैं बहुत अच्छे से डाइट लेती हूँ, बहुत अच्छे से आहार का डाइट का प्लान करती हूँ, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज को भी जाती हूँ, और मुझे ये कंप्लेंट्स क्यों नहीं कम होते। तो तभी भी ये पेशेंट को जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे जो हेतु मिले उसमें पहला हेतु है अत्यंबुपान। अभी अत्यंबुपान, उषपान, जलपान, इसके बारे में भी अभिजीत ने भी कुछ बातें बताई। अभी देखो कुछ ऐसा है कि हाइड्रेशन ज़्यादा होने के बाद स्वास्थ्य बढ़ता है, ऐसे भी कुछ कंसेप्ट हमारे सोसाइटी में आते हैं और लोग पीते रहते हैं। सबसे बुरी बात है कि व्हाट्सएप पे कुछ भी आया तो क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य के जैसे व्हाट्सएप पे आया शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे आया शुरू कर दिया, यही बात। और ऐसी इससे गलती होती है और हमारे रुग्ण के ऐसी गलती कर जो सुधारने की जिम्मेदारी किसके है, तो फैमिली फिजिशियन की है, फैमिली फिजिशियन की है, इसके इसका मतलब हमारे सभी वैद्यों की है। तो वो रुग्णा अत्यंबुपान करती थी, उसमें उषपान निशापान ये भी था, और उषपान में आइदर शहद के साथ पानी या लेमन जूस के साथ पानी ऐसा वो लेती थी, एक ग्लास भर वाटर, उसमें आइदर नींबू का रस या शहद। दूसरा और एक बात है कि अभी देखो ये स्मूदी का जो चिकित्सा लेते हैं लोग उसमें क्या क्या लेता है, एक ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट, दालचीनी, लेमन या पुदीना, इधर मालूम नहीं स्मूदी का कुछ प्रसार है क्या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे रुग्ण व्हाट्सएप पे आता है इसलिए ये लेते हैं, और उनका कहना है कि इससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल है। तो मैंने भी इसका कुछ स्टडी किया कि कितने पेशेंट ने लिया है, किसकी ब्लड शुगर कम हुई, तो मुझे एक समझ में आया कि उसमें दालचीनी बहुत ज़्यादा है और दालचीनी हाइपोग्लाइसेमिक है, उससे जरूर ब्लड शुगर कम होती होगी लेकिन प्रमेह की संप्राप्ति नहीं कम होती।
ब्लड शुगर कम होना ये मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, उससे दोष दुष्य सम्मूर्चना अबद्ध श्लेष्म मेद या ये संप्राप्ति कम नहीं होती तो हो सकता है, लेकिन ये पेशेंट का अम्लपित्त का हेतु मुझे ये समझ में आया कि वो स्मूदी लेती थी और एक भुक्त ही थी, दिन में एक बार ही खाना खाती थी। उसकी चिकित्सा में मैंने क्या दिया, पहले हेतु विपरीत चिकित्सा की, वो एक भुक्त थी तो उसने उसको मैंने कहा, मेरे सभी पेशेंट को बोलती हूँ कि दिन भर क्या करना है, दिन भर दो बार खाना खाना है, दो बार चाय पीना है, और अगर सवेरे अच्छे से एक्सरसाइज किया है तो ही नाश्ता करना है, एक्सरसाइज के बिना नाश्ता करने का नहीं। और एक्सरसाइज का मेरा रूल ऐसा है कि 7-1 = 0, 7-1 = 6 नहीं, एक्सरसाइज के लिए 7-1 = 0। इसका मतलब क्या है कि रोज एक्सरसाइज करना ही है, अगर एक्सरसाइज नहीं करे तो ब्रेकफास्ट लेने का ही नहीं, अच्छी भूख लगने के बाद ही खाना खाना है। ये पेशेंट को मैंने चिकित्सा जो दी है, हेतु विपरीत चिकित्सा तो नो डाउट है ही, उसके साथ में लघु सूच्छेखर और अविपत्तिकर चूर्ण। अभी अकाल भोजन उसका मैंने छोड़ने को बोला और द्रवपान पूरा बंद करने को बोला। लघु सूच्छेखर ये पारंपरिक जैसे कि प्रोप्राइटरी ड्रग है, बृहत संहिता में कहीं नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट को लाभ भी देती है और रुग्णों को भी मैं देती हूँ। उसमें क्या है, शुंठी, गैरिक और नागवेली पत्र स्वरस की उसको भावना है और अत्यंत रूक्षण गुणधर्म के लिए ये बहुत अच्छी है। तो इतनी सिंपल चिकित्सा के साथ उसको ट्रीट किया और उसका पूरा जो पहले लक्षण थे वो कम हो, वो 5 मिनट में मैं एक दो केसेस आपको बोलूँगी ग्रहणी के। अभी अम्लपित्त के 3 केसेस हमने कुछ डिस्कस किए, अभी ग्रहणी की जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, ये कुछ पीछे है, मैं गृहिणी के केस आपको बताती हूँ। 69 ईयर्स फीमेल पेशेंट, हाउसवाइफ, उसके कंप्लेंट्स थे 4-5 times मलप्रवृत्ति, सपिच्छ सप्रवाहन मलप्रवृत्ति, मुख दौर्गंध्य, उदरशूल एंड अदमान। सिंस 10-12 ईयर्स उसको ये कंप्लेंट है, इसके पहले उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो मॉडर्न मेडिसिन से एंटी एमेबिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज, कोई है क्या, एंटी एमेबिक ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट, मल्टी विटामिन्स, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने लिया था। उसके बाद में वो 2-3 आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास से भी ट्रीटमेंट ली थी, होम्योपैथी भी हो रहा था, नेचुरोपैथी भी हुआ था, और उसके साथ में उसका 5-6 kg वेट लॉस हुआ था और दौर्बल्य बलक्षय ऐसा भी था। जब वो मेरे पास आ गई तो मुझे एक समझ में आया कि उसके जो हेतु थे वो अध्यसन जैसा हेतु था। घर में 2 ही लोग थे, वो और उसके हस्बैंड। हस्बैंड को डायबिटीज़ था, उनको बोला था हर 4 आवर्स में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, और उनके साथ में ये चाची जी भी कुछ ना कुछ खाती थी, भूख है नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि उसका मतलब बोलना था कि मेरा भी वेट लॉस ही हो रहा है तो मैं भी थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, और कंप्लेंट्स भी कम नहीं हो रहे थे। तो अध्यसन एक बहुत बड़ा